बीती 7 मई मंगलवार को सहजदारा रोड देहरादून में रात को करीब 9 बजे हुए गोलीकांड ने राजधानी को दहला कर रख दिया था। सरेआम गोली मारकर समर जहां की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। समर जहां पर 5 राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने हत्या मामले में शामिल मुख्य आरोपी सीमा सिंघल और उसके बेटे कार्तिक सहित राकेश गुप्ता को और मोमिन को गिरफ्तार कर दिया। वहीं गोली मारने वाले आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। समर जहां जब अपना बुटीक बंद करके घर जा रही थी, तो उसी वक्त कार सवार बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। समर पर 5 राउंड फायर किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आपको बताते चले कि आरोपी राकेश गुप्ता समर जहां के साथ पिछले 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, जिससे उसकी अपनी पत्नी सीमा सिंघल के साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि समर जहां के बढ़ते खर्चों से अब राकेश भी परेशान हो चुका था, क्योंकि उस पर अब शादी का दबाव भी बना रही थी। पुलिस की माने तो कार्तिक ने अपने माता पिता के कहने पर समर जहां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या के लिए मुजफ्फरनगर के गैंग को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसके बाद गैंग के लोगों ने समर जहां को मौत के घाट उतार दिया। लड़की की हत्या की गई थी, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जिनके साथ इसके अवैध संबंध प्लस उनके उसका बेटा, उसकी वाइफ और एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लाख रुपए देकर जो है इसकी हत्या करवाई गई है। इसमें मुजफ्फरनगर के कुछ गैंग्स का नाम सामने आ रहा है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये कार्तिक जेल जाता था, जो अभी तक प्राइमो फेसी पता लगा है कि जेल में ये जो है उनके संपर्क में आया है, प्लस इसके मदर साइड में भी रिलेशंस जो हैं एक अन्य गैंग मेंबर से हैं। उनकी वाइफ है, ये उससे काफ़ी नाखुश थी कि उनकी जो है हस्बैंड का रिलेशनशिप एक अन्य लड़की से चल रहा है। सो इनकी जो है अपने बेटे के साथ टैसिटिक कंप्लायंस थी, प्लस ये भी जो है इस पूरे उसमें 120B के मुलजिम है। बहरहाल पुलिस ने सत्याकांड का खुलासा कर दिया, लेकिन गोली चलाने वाले आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। मुजफ्फरनगर के गैंगस्टरों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, लेकिन देहरादून में इस तरह से हो रहे गोलीकांड पुलिस और यहां के लोगों के लिए चिंता का सबब भी बने हुए हैं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।